अब हम क्वेश्चन टू का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन कहता है फाइंड द सम्स गिवन बिलो, यानी कि ये एक एपी गिवन है और इस एपी का हमें सम फाइंड करना है। ठीक है, तो किसी भी एपी का जब हमें सम फाइंड करना होता है तो हमें हमेशा चार चीजें पता होनी चाहिए, ए डी एन और एन। अगर ये चार चीजें हमें पता है तो हमारा सम फाइंड हो जाएगा, लेकिन अगर चार में से कोई चीज मिसिंग है तो फिर हमें चौथी चीज फाइंड करने की जरूरत होती है। ठीक है, तो देखते हैं क्या हमारे पास इस एपी से क्या चारों चीजें हमें मिलती हैं या नहीं मिलती। अगर नहीं मिलेंगी, मिसिंग होंगी, तो हम उसको फाइंड करेंगे, देन फिर हम अपनी इस एपी का सम फाइंड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग हमारे एपी की जो वैल्यूज हैं वो देख लेते हैं कि इस एपी में हमें क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म यानी ए गिवन है 34, सेकेंड है डी जो कि है a2 - a1 यानी कि 32 - 34 = -2। उसके बाद हमारा ए एन यानी लास्ट टर्म है हमारा 10, और एन जो कि मिसिंग है, यानी हमें एपी तो पता है बट एपी में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है ये नहीं पता, तो इसलिए हमें एन फाइंड करनी पड़ेगी। दूसरी चीज, एसएन तो हमें फाइंड करनी ही है, तो एन फाइंड करने के लिए हम क्या लगा सकते हैं? हम दो फॉर्मूले लगा सकते हैं, एएन और एसएन, बट एसएन नहीं लगा सकते क्योंकि एसएन की वैल्यू ही नहीं है, इसलिए हमें मजबूरी में एएन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो लगा लेते हैं। हेंस an = a+n - 1 d। अब सभी वैल्यूज को पुट कर देंगे तो an है 10, a है 34, n पता नहीं, d है हमारा -2। 34 उधर ले गए तो माइनस का, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करा तो -2n + 2, ये हो गया -24। 2 इधर लाए तो -2 है, ये -26, -2 है, माइनस से माइनस कैंसल, 26 यही रखा, 2 नीचे शिफ्ट, n इसको सॉल्व करा तो 13, यानी n जो है वो 13 है, मतलब इस एपी की नंबर ऑफ टर्म्स 13 है। तो अब हमें 13 टर्म्स का सम फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे थस SN = n/2 a+an। अब सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे, n है 13, a है हमारे पास 34, an है 10। अब सॉल्व करा 13, ये हो गया 44, 2 इसको सॉल्व करा 20। 13 को इससे मल्टीप्लाई 6 2, 26 और 2 28, 13 2 26 2 26 2, तो ये आ गया हमारा कि 13 टर्म्स का जो सम है वो 286 होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, जो चीज हमसे पूछी गई थी वो हमने बता दी।